तो जैसा कि रेजोनेंस हम जानते ही हैं, हमारी जो लोअर क्लासेस है, 11th क्लास से हम रेजोनेंस को पढ़ते आ रहे हैं। और रेजोनेंसिंग जो है, इसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाई है। तो ये रेजोनेंस जो फिनोमिनन है, ये रेजोनेंस होता है क्या है? तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, लुविस स्ट्रक्चर। लुविस स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को हम उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ उसकी जो एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है, उस सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लुविस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं अपन ओजोन की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, लुविस स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये है हमारा ओजोन। तो ओजोन की ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहेंगे? लुविस स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया था कि ये जो ओजोन में ये जो बॉन्ड है, एक तो है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड लेंथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड लेंथ, यानी इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है? ये सिंगल बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड जितना होना चाहिए यहाँ उतना नहीं होता, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो भी यहाँ नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन डबल और सिंगल दोनों का एक हाइब्रिड होता है, यानी यहाँ पर डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड लेंथ के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है। तो ऐसा इस स्ट्रक्चर में कैसे हुआ? यानी कि यहाँ पर देखने से तो पता लगता है कि ये प्योर डबल बॉन्ड है और ये क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर इस लुविस स्ट्रक्चर ने इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसको एक्सप्लेन करने में ये सफल नहीं रहा। तो इस ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया? एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक परिघटना की बात की गई थी, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होती है। किसी मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम रेजोनेंस के थ्रू उसको इस स्ट्रक्चर को समझाएं, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होती है। तो रेजोनेंस का यूज़ क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, अगर उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को उसकी सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रही है, जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ की है इसकी सारी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल की दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जिससे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए? एक्सप्लेन हो जाए। तो ओजोन की दो से ज़्यादा लुविस स्ट्रक्चर बनाई गई थी। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड, ये दोनों स्ट्रक्चर इस ओजोन के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। और यहाँ पे देखिए, एक बार डबल बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है और सेकंड टाइम ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ये पूरे प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? दोनों में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के करेक्टर होते हैं। ऐसी जो स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं जिनमें क्या होते हैं कि एक मॉलिक्यूल को दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करें उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या हम इसे कहते हैं आरएस, और इसका दूसरा नाम भी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होते क्या है? इमेजिनरी होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इमेजिनरी। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होगी? काल्पनिक होगी, जो ओजोन की अधिकांशतः जो प्रॉपर्टीज होगी उसको एक्सप्लेन कर देगी। यहाँ की पहले हमने देखा था कि
O3 की जो सिंगल स्ट्रक्चर है वो इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी कि इसका प्रैक्टिकल स्टडी ये किया गया था कि ओजोन में ये जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ देखी गई थी कि जो एक्चुअल में इनकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होती वो तो यहाँ पे थी नहीं, जबकि यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या थी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था रेजोनेंस के कारण। ओके, तो इस मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर क्या होगा? ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो क्या है, रेजोनेटिंग और इमेजनरी स्ट्रक्चर है। तो इनकी जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो इसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करेगा और इसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी। वो स्ट्रक्चर क्या होगी? इस ओजोन की रियल स्ट्रक्चर होगी। यानी कि इन दोनों को अगर अपन मिक्स करें, दोनों की प्रॉपर्टी एक सिंगल मॉलिक्यूल में अपन डाल देते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड मूव कर रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, डेस 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 करके लगा देंगे। ओके, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये है इसकी रियल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड RH। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड में इसकी भी प्रॉपर्टीज मिक्स होगी और इसकी भी प्रॉपर्टीज मिक्स होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर होगी, दोनों को मिक्स करके ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ओजोन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो ये स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना। डॉटेड बॉन्ड इसमें बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी दो स्ट्रक्चरों का मिक्सअप। तो ये जो फिनोमिनन अपन देख रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी सिंगल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होती, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, और जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल हम और लेते हैं, बेंजीन C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हमने कैकुले स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कौन सी स्ट्रक्चर है, कैकुले स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल जो स्ट्रक्चर है वो कैकुले की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बेंजीन की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दी गई थी, उनमें कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कैकुले स्ट्रक्चर देखी, इसके बाद ये डीवार स्ट्रक्चर है, ये बेयर स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से बहुत सारी स्ट्रक्चर बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होगी वो बेंजीन की कैकुले स्ट्रक्चर होती है, यानी हमें बेंजीन की इन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यानी यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, यानी ये इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन बेंजीन में स्टडी से देखा गया कि यहाँ पर हर जो बॉन्ड लेंथ है, प्रत्येक कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सभी आइडेंटिकल है, सभी समान है, ऑल
बॉन्ड्स आर सेम, यानी सभी बॉन्ड्स क्या है, सेम है, और सभी बॉन्ड्स की लेंथ कितनी है, कार्बन कार्बन की जो लेंथ यहाँ पर है 1.38 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। यानी कि ना तो वो डबल बॉन्ड की लेंथ है ना ही वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है, सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज़्यादा। तो ऐसा स्टडी से देखा गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेंजीन में ना तो डबल बॉन्ड के करेक्टर है ना सिंगल बॉन्ड के करेक्टर है। तो इनमें हुआ क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये तीन अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल में घूमते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो रियल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जिनमें बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए 1.38, यानी डबल बॉन्ड भी नहीं होगा सिंगल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो इनका रियल स्ट्रक्चर ये बनाया गया था, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है जिसमें इन दोनों के ही क्या होंगे, मिक्स होंगे। इस स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज भी होगी और इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज भी होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसका रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड RH। और यहाँ जो हमने इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को अलग अलग दिखाया है, ये दोनों स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है, RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ना तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना डबल बॉन्ड आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये हुआ कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक जगह नहीं रहते, ये पाई बॉन्ड्स पूरे के पूरे अणु में घूमते हैं। यानी कि ये बॉन्ड पहले यहाँ था फिर यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखो, तो इस प्रकार पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है, घूर्णन होता है, घूर्णन से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की रियल स्ट्रक्चर बनेगी। इससे को क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस की परिभाषा क्या होगी, इस प्रकार हम रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन रेजोनेंस की परिभाषा, the delocalization of pi electrons in parallel p orbital is called रेजोनेंस। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉनों को पूरे के पूरे अणु में घुमा देना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोटेट कर देना, ऐसी जो परिघटना होती है वो डीलोकलाइजेशन होती है। और जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन घूमने शुरू हो जाते हैं वहाँ क्या शुरू हो जाता है, हमारा रेजोनेंस। तो ये जो रेजोनेंस है ये एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉनों का ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो रेजोनेंस में एक्चुअल में होता है क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसी परिघटनाएं क्या कहलाती है, हमारी रेजोनेंस कहलाती है। ओके, अब इस रेजोनेंस को हमने क्यों यूज किया, ये रेजोनेंस हम क्यों लेते हैं किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई मॉलिक्यूल अगर सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, यानी किसी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो एक स्ट्रक्चर उसको शो नहीं कर रही, तो उस सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यानी रेजोनेंस में होता है क्या है, व्हेन
when the all properties of a molecule are not presented by a single Lewis structure, then we write more than two Lewis structures to explain most of properties of molecule. यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर जब मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल की दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस को यूज करते हैं। तो रेजोनेंस यही होता है कि जब हम एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब देखो, एक बात की थी मैंने पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल पी ऑर्बिटल क्या होता है? अगर हम बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें तो बेंजीन इस टाइप से अपन लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बेंजीन जो है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस बोर्ड के लंबवत रखा गया है, ये बेंजीन हो गया। कैसे रखा हुआ है? बोर्ड के परपेंडिकुलर इस टाइप से, और ये हो गए इस बेंजीन के पी ऑर्बिटल। ओके, अब ये जो पी ऑर्बिटल है, देखो सारे के सारे पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, यानी कि अगर हमने बेंजीन को ऐसे रखा, ये है हमारा बेंजीन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो इस बेंजीन पे ये जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे है, वो इस टाइप से है। ओके, तो एक पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया तो दूसरा पी ऑर्बिटल भी क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से होगा, यानी दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसे पी ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल, यानी सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, सेम प्लेन में। ओके, अब इन पी ऑर्बिटल का एक ही प्लेन में होने के कारण ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओके, ये हमारा बन गया बेंजीन। तो देखो, एक ओवरलैप यहाँ पे किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, एक ओवरलैप यहाँ हुआ यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, एक ओवरलैप यहाँ हुआ यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड बनने पर इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसा होता है, आधा तो प्लेन के ऊपर होता है और आधा प्लेन के नीचे होता है, यानी ये जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से होते हैं, आधे तो प्लेन के ऊपर होते हैं और आधे प्लेन के नीचे होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड बन गए। तो पैरेलल पी ऑर्बिटल जहाँ होंगे और वहाँ पर अल्टरनेट अगर पाई बॉन्ड होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसी जो स्ट्रक्चर होगी वही पैरेलल पी ऑर्बिटल होगी, और इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। यानी कि अल्टरनेट बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे कॉन्जुगेशन होगा, जहाँ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ ही रेजोनेंस होगा। चलो, हम इसके जो रूल्स होंगे उस रूल्स में मैं आपको बता दूंगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है।
तो इसी टाइप से हम लेते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ओके, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है देखो अल्टरनेट है, एक पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, ये अल्टरनेट है तो इनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जैसे ये मूव करेंगे सी एच टू पॉजिटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच टू नेगेटिव। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, अपन इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, सारे जो सिग्मा स्केलेटन है इसका, तो देखो यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड है 1 और 3 पे। तो यहां पे पाई बॉन्ड बना हुआ और यहां पे पाई बॉन्ड बना है। अब होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस पे, इस पाई बॉन्ड के साथ देखो पैरेलल है, सारे के सारे पी ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है, पी ऑर्बिटल्स पैरेलल। ओके, और ये बॉन्ड जैसे इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो इसका एक स्ट्रक्चर और बनाए तो हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी ऑर्बिटल में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ चले गए तो यहाँ चले गए तो यहाँ क्या आ गया, माइनस, ये माइनस आ गया और यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन की तरफ, यानी ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो ब्यूटाडाइन के दोनों स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड, अब ये दोनों स्ट्रक्चर इस ब्यूटाडाइन के रियल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आरएस। तो इनकी रियल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो रियल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये केवल यहाँ यहाँ फिक्स नहीं है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल में जहाँ जहाँ ये घूम रहा है उस एटम पर इसका पार्ट रहेगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, CH2, CH, CH और CH2, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड जाता है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, डैश डैश करके बना देंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है इसका रियल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस प्रकार जो फिनोमिनन हो रही है इसको हम रेजोनेंस कहते हैं, और रेजोनेंस को ये तो आप सभी को पता है, डबल हेड एरो से अपन इसको दिखाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंडीशन, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशन हम देखते हैं जहां रेजोनेंस होगा। सबसे पहले बात तो मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जैसे स्ट्रक्चर अपन यूज कर लेते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, डबल सिंगल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड
CH2, जैसे हमने ये यूज कर लिया, तो इसमें देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट हो गया। तो अल्टरनेट जब बॉन्ड्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब इसमें यहाँ देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन, तो ये संयुग्मन में नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, यहाँ पे क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में कौन आ गया, CH2, और CH2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, तो बीच में sp3 आ गया, यानी कि ये जो इसके ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे, प्लेन से बाहर चले जाएंगे, जबकि हमारे रेजोनेंस के लिए सारे ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो sp2 कार्बन, यानी सारे के सारे कार्बन क्या है, सेम प्लेन के कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, और जहाँ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर रेजोनेंस जरूर होगा। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लैनर, मॉलिक्यूल को क्या होना जरूरी है, प्लैनर। प्लैनर का मतलब सारे जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, ओके, प्रोपेनिल कैटाइन याद कर लेते हैं इसको, प्रोपेनिल कैटायन। तो इसमें देखो सारे जो पी ऑर्बिटल है वो प्लैनर है, यानी सारे के सारे एटम क्या है, प्लैनर है। तो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर देखें अपन, तो ये इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ये पी ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो सारे देखो ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लैनर। तो रेजोनेंस के लिए सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लैनर होना ज़रूरी है, तभी रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी, ये बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है, अगर आपको रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल का ड्रॉ करना है तो ये दो बातें उसमें ज़रूरी है, कॉन्जुगेशन का होना और उस कंपाउंड का प्लैनर होना। When resonance takes place, resonance कब होता है, अनुनाद कब होता है, तो अनुनाद के लिए हम क्या लिखेंगे, rules। ओके, तो कौन से रूल्स है जहाँ पर अनुनाद हम बना सकते हैं, रेजोनेंस हम बना सकते हैं, तो सबसे पहला अपन देखते हैं इसमें, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड ले लेते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में अगर हो तो ऐसी जो कंडीशन होगी वहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। ओके, ये कॉन्जुगेशन है, ये जो सिस्टम मैं बना रहा हूँ वो सारा सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, संयुग्मित सिस्टम। ओके, दूसरी कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन ये है, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पी ऑर्बिटल।
तीसरी कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। चौथी कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। पांचवी कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या हम इसको ले सकते हैं पांचवा ले रहे हैं अपन, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP। ओके, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। ओके, छह नंबर ले लेते हैं अपन, नेगेटिव चार्ज एंड डी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज और डी ऑर्बिटल। तो इस प्रकार हम छह कंडीशन देखेंगे। इन छह कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेजोनेंस कि जो फिनोमिनन है उनको हम वहाँ पर करके देखेंगे। ये छः के छः कौन से सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब ये छः सिस्टम होंगे तभी हम रेजोनेंस बना सकते हैं, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम वन बाय वन हर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लेकर इनके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल रहेगा। फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर नेगेटिव चार्ज और डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल, सॉरी कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। तो इस प्रकार हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने रेजोनेंस जो फिनोमेनन है उसकी बात की, और रेजोनेंस की जो कंडीशन है कहाँ रेजोनेंस हो सकता है उसकी बात की थी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके मित्रों,